स्टूडेंट कैसे हो। तो आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्शन पेंटिंग। केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई विच इज़ डन बाय रिफ्लेक्शन टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक से पिक्चर कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट किया है हमने रिफ्लेक्शन पेंटिंग से। तो क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पोर्शन है, हाफ पोर्शन, इसको क्या करना है, पहले हमें वन बाय वन कलर करना है, फिर उसे फोल्ड करके वही पिक्चर सेकंड पिक पे ले लेना है। यहाँ पे सेम वैसे ही बटरफ्लाई का एक पिक बना हुआ है, जिसे हमने हाफ पोर्शन में एक बटरफ्लाई की डिज़ाइन बना दी है। अभी क्या करना है, जो यहाँ पे डॉट डॉट की एरिया है, सेम वही से हमने क्या करना है, पेज फोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे। अभी हाफ पोर्शन में बटरफ्लाई को हम कोई भी कलर देकर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लू, पर्पल या ग्रीन। हमें क्या करना है, आधे पोर्शन को यहाँ पे फोल्ड करके जिस एरिया में हमने कलर दिया है उसको जेंटली प्रेस करना है, निकाल लेना है। देखो इस तरह से सेम ही डिज़ाइन जहाँ पे हमने लगाया उसके अपोजिट ऐसे ही कलर आएगा। सूखने से पहले हमें ये खेल के लिए यहाँ पे आएगी। अगर आपको लगता है कि ठीक से इम्प्रेशन नहीं आए हैं हम ठीक फिर से एक बार ही कर लेंगे। जेंटली उसको प्रेस करना है धीरे से, थोड़ा सा ये ब्रश कर लेंगे। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ये कलर ऐसे उसको नीचे की तरफ ले लेंगे, डॉट बना लेंगे।
अभी हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे। हम यूज़ करेंगे रेड कलर। ये रहा अपना पिंक कलर ले लिया। सेम उसी टाइम पे हम यहाँ पे एक कलर ले लेंगे। अभी हम सेंटर के पोर्शन में ये कलर फिल करेंगे। हो गया। अभी हम इसके मुंह की तरफ भी इसके हाफ फेस को यही कलर फिल करेंगे। देखो ये अपना कंप्लीट हो रहा है। ये पिक हम यहाँ पे लेंगे एक थोड़ा सा लाइटिंग वाला कलर स्पार्क ट्यू लेंगे। इसे हम अच्छे से इस तरह से आपको ये कलर जहाँ जहाँ पे भी ऐड करना है आप इसे ऐड कर सकते हैं। देखो ये अपना बटरफ्लाई बनके रेडी हो चुका है। अभी हमें इसकी आउटिंग कर लेनी है और ब्लैक कलर को ब्लैक कलर से उसकी आउटिंग तो अभी हमें इसकी आउटिंग कर लेनी है अच्छे से। ठीक है हमें इसकी मूंछ अच्छी तरह से यहाँ पे बना देना है और तुरंत पेस्ट करके उसकी छवि सेकंड पेज पे दे देनी है। देखो याद है इसी तरह से हमने ये भी अच्छे से ले ली। बॉर्डर भी है उसको हमने इसी तरह से ले लिया है नेक्स्ट सेकंड पेज पे। तो पिक्चर तो वो देखो इसी तरह से क्या करना है हमें कोई भी पिक अगर हम इसमें डालते हैं तो इसे हमें सेकंड पेज फोल्ड करके उसके ऊपर वही प्रिंट ले लेनी है।
देखो अगर आपको और इसमें कोई कलर ऐड करना है तो आप कलर ऐड कर सकते हो, जैसे येलो, रेड, ग्रीन, ठीक है। कि आप एक और ऑर्डर बॉर्डर दे देंगे, तुरंत क्या करना है, पेज अपना फोल्ड कर लेना है। देखो ये बॉर्डर यहाँ पे भी आ गया थी, देखो यहाँ पे ब्लैक प्रिंट आ गई। यहाँ पे जो कलर लिया है हमने वो यहाँ पे उसके अपोजिट ये ब्लैक कलर अच्छे से लेने के लिए थोड़ा सा डार्क शेड में हमने क्या करना है, कलर ऐड करके उसको प्रेस करना है। देखो ये आ गए यहाँ पे, ठीक है। देखो स्टूडेंट इसी तरह से हमारा ये बटरफ्लाई बन के रेडी है। अगर आप इसको और कलरफुल करना चाहें तो आप कर सकते हो, जैसे अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ब्लैक डॉट देना चाहिए, यहाँ पे एक ब्लैक डॉट देना चाहिए, दिस इज रेडी और बटरफ्लाई। थैंक यू स्टूडेंट।